बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा, और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, और उसमें 4 से 5 अदद मैंने प्याज लिए थे और इनको कट कर लिया था। इनको अब हम फ्राई करेंगे, और जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो इनको हम निकाल लेंगे। दूसरी साइड पे मैंने लिया है दही, और ये तकरीबन 1 कप दही है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 कप घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे घी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। 4 से 5 अदद सब्ज़ी इलायची ऐड कर देंगे। 3 अदद हम कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। 2 बादियान के फूल इसमें ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और लौंग 4 से 5 अदद इसमें ऐड कर देंगे। 2 अदद बड़ी इलायची इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे। तो प्याज आप देख सकते हैं कि ब्राउन हो गया है, प्याज को हम निकाल लेंगे। दूसरी साइड पे हमने टमाटर का पेस्ट रेडी कर लिया है। इसमें अब ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, दालचीनी की 2 डंडियाँ इसमें ऐड कर देंगे, 2 स्टिक्स जो होती हैं इसमें ऐड कर देंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और इनको हम मसाले को भून लेंगे। और घी आप देख सकते हैं इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है, और फिर इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। इसमें जावित्री भी ऐड की थी मैंने 1/2 टीस्पून, उससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। किसी भी पंसारी की शॉप से आसानी से मिल जाता है। दूसरी साइड पे एक बर्तन लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे घी। 1 कप घी लिया है मैंने, और जैसे ये मेल्ट हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो ये तकरीबन 2 केजी चिकन है, इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। सॉरी, फ्राई नहीं करेंगे हम, जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें चिकन ऐड करने के बाद, इसमें हम 1 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। और जो मसाला हमने रेडी किया था तो वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, और इसको कवर करके हम रख देंगे गलने के लिए। साथ ही जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, यह आपकी तरफ से हौसला अफज़ाई होती है, प्यार होता है, इनाम होता है हमारे लिए। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे तकरीबन रेडी हो गया था हमारा कोरमा। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी थिक हो गया था, चिकन भी हमारा गल गया था, और बहुत ही मज़े की खुशबू आनी शुरू हो गई थी इसमें। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे इसको, हमने मीडियम लो फ्लेम पे हमने बनाया था, तो रेडी हो गया था हमारा कोरमा। तो इन्जॉय करें, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगती है मेरी ये रेसिपीज़।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।